क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज सवाल उन नेताओं पर, उन माननीय नेताओं पर जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, सुशासन का भरोसा देकर लोगों से वोट ले लेते हैं, जीत भी जाते हैं और मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, और बदले में उन्हें देते हैं गुंडा राज। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कत्ल का एक आरोपी जिसे बिहार पुलिस ढूंढने का ड्रामा कर रही है, वो बिहार के मंत्री को फूलों का गुलदस्ता देता है, तमाम पुलिस वालों के सामने शहाबुद्दीन का स्वागत करता है, और सबसे बड़ा सवाल खुद को सुशासन का ब्रांड एम्बेसडर बताने वाले नीतीश कुमार बाबू, क्योंकि ट्रायल में देरी के चलते इतने बड़े अपराधी को बेल मिल जाती है, और नीतीश लालू की ये गुंडी सरकार, इसे हम कहें, का हाथ इन गुंडों के साथ है। तो क्या नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ सुशासन का दिखावा ढोंग करते हैं? आज इसी पर होगा आर पार, क्योंकि लालू के लाल शार्प शूटर के साथ है, और ऐसा लगता है, ऐसा दिखाई देता है, प्रतीत होता है, बिहार सरकार का हाथ शराबुद्दीन के साथ है, और बिहार में बाहर नहीं, बिहार में गुंडा राज है, और यही आज का आर पार है। आज होंगे सबसे तीखे सवाल। जरा देखिए नीतीश बाबू, किस तरह आपके सुशासन का जनाजा निकल रहा है। ये वही शार्प शूटर मोहम्मद कैफ है जो पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में वांटेड है, जिसे आपकी पुलिस ढूंढ रही है, और ये आपके स्वास्थ्य मंत्री और लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव को गुलदस्ता थमा रहा है। आपकी पुलिस के सामने ये शहाबुद्दीन के साथ खड़ा है, और इतने से भी अगर आपकी नींद न खुले तो आपको IBN 7 इस कत्ल के आरोपी की एक और तस्वीर दिखा रहा है। जरा देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मोहम्मद कैफ और बंटी सिवान में ही IBN 7 के कैमरे में कैद हुआ है। वो आराम से अपने घर पर मौजूद है, और सुशासन सरकार की निकम्मी पुलिस इसकी तलाश में छापेमारी का दावा कर रही है। अब आदमी 1000 फोटो हम लोग के साथ खिंचाता है, कौन क्या है हमको क्या पता। कई फोटो है उसमें आपके साथ। हम किसी को थोड़े जानते हैं कौन आदमी क्या है। ये सब विरोधियों का चाल है, कहाँ कहाँ से फोटो ले आकर के कहाँ कहाँ से जोड़ देता है लोग। आज उसका फोटो तेज प्रताप के साथ दिखाई पड़ रहा है टीवी के अंदर। तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ ने लालू जी शहाबुद्दीन के साथ घूम रहे हैं, और छोटे मियाँ जो हैं वो मोहम्मद कैफ के साथ घूम रहे हैं। लेकिन हम बिहार के गुंडाराज पर लौटते हैं। आरोप लग रहा है कि नीतीश सरकार ने जानबूझकर शहाबुद्दीन केस के ट्रायल में ढिलाई बरती, जिसके चलते कई मामलों में सजायाफ्ता शहाबुद्दीन को जमानत मिल गई, और अब इस बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का ढोंग किया जा रहा है। अगर कोई प्रक्रिया जरूरी है जिससे कि उनकी बेल कैंसिल हो, जिसमें कि अपील टू सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, या और कोई प्रशासनिक कदम, तो वो सारे लिए जाएंगे, क्योंकि कोई भी अपराधी ये मान करके नहीं चल सकता नीतीश कुमार के शासित बिहार में कि वो कानून से ऊपर है। जेडीयू के नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन शहाबुद्दीन को बेल से एक तरफ सुशासन के दावे पर दाग लगा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में एक बार फिर गुंडा राज के साफ संकेत दिखने लगे हैं। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, लेकिन वो विश्लेषण, जिस विश्लेषण का आपको आर पार में बेसब्री से इंतजार रहता है, वो विश्लेषण जरूरी है, बेहद जरूरी है,
नीतीश के सुशासन का विश्लेषण आज देखिए। शाबुद्दीन से जुड़े केस में ट्रायल में देरी की गई और ये बात मैं खुद बना के नहीं कह रहा, ये बात ये रिपोर्ट कहती है, ये जो बेल ऑर्डर है वो कहता है, ऑनरेबल कोर्ट कहता है। कोर्ट के निर्देश के बावजूद 7 महीने तक ट्रायल नहीं हुआ, ये भी ऑनरेबल कोर्ट कहता है। राजीव रोशन हत्याकांड में होना था ये ट्रायल, ट्रायल में देरी को आधार बनाते हुए शाबुद्दीन को, गुंडे शाबुद्दीन को, मर्डरर शाबुद्दीन को, किलर शाबुद्दीन को बेल मिल जाती है। बेल देते हुए कोर्ट ने ट्रायल में देरी का खूब जिक्र किया है इस रिपोर्ट में और ये रिपोर्ट नीतीश बाबू के पास भी है। मंत्री तेज प्रताप यानी लालू के वो लाल जो गुलदस्ता ले रहे हैं शार्प शूटर से जिसका नाम बंटी है, उनको मोहम्मद कैफ भी बुलाया जाता है, और वही बंटी वही मोहम्मद के शाबुद्दीन का स्वागत भी करता है, लेकिन पुलिस के लिए वो लापता है, फरार है, हमारे कैमरे में बदस्तूर दिख रहे हैं जनाब, लेकिन पुलिस के लिए लापता है, पुलिस झोंक कर रही है उनको ढूंढने का, अभी तक मिल नहीं पा रहे। शार्प शूटर के साथ मंत्री का दिखना कितना बड़ा सुशासन है, और ये वो शार्प शूटर है जिसने पत्रकार राजीव रंजन की हत्या की है, उन पर ऐसा आरोप है। खुद ही देखिए कितना बड़ा सुशासन है बिहार के अंदर। और मेरे साथ आज के पैनल में मौजूद हैं प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता, मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं अशोक सिन्हा जो कि प्रवक्ता हैं आरजेडी के, सुनील सिंह हैं जो कि नेता प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड के, और प्रशांत भूषण मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत मैं करता हूं सुनील सिंह आपसे, और मेरा बड़ा अहम सवाल आपसे यही होगा, सुशासन का ढोंग करते करते पूरा मामला खुल गया है और ऐसा लगता है कि बिहार सरकार का हाथ शाबुद्दीन और मोहम्मद कैफ जैसे गुंडे और बदमाशों के साथ है, जनता के साथ तो नहीं है। अनिल जी, पहले तो जो आपका शीर्षक है और आपने जो बिहार के बारे में तरह तरह की संज्ञाएं दी है उसी पर मुझे आपत्ति है, सच्चाई वो नहीं है। ऐसे में हम आम बिहारियों की अस्मिता को हम लोग को हमको ठेस पहुंचता है इस तरह के संज्ञाओं से, क्योंकि अमूमन अगर अपराध का आंकड़ा देखें तो बिहार बहुत माने, सर, बहुत ये राज्यों से, कई अन्य राज्यों से बेहतर है। मेरी गुजारिश आपसे ये कमजोर तर्क आप आर पार पे तो मत दीजिएगा, बहुत सी ऐसी डिबेट है जहां पर आप ऐसे तर्क देंगे वो आपको सुन लेंगे, लेकिन आर पार में मैं ऐसे तर्क नहीं सुनूंगा और बिल्कुल नहीं सुनूंगा। पॉइंट नंबर वन, पटना हाई कोर्ट ने गुंडा राज कहा था, शायद आप भूल गए, माफ करिए जंगल राज कहा था, आप भूल गए, और यह बात मैं नहीं कह रहा ट्रायल में देरी हुई, यह बात कोर्ट ने अपनी बेल में लिखी है, क्योंकि ट्रायल में देरी हुई इसलिए इनको बेल देनी पड़ी है, देनी नहीं पड़ी, आपने बेल दिलाई है। मेरा आरोप है बिहार सरकार ने कॉन्स्पिरेसी करके, लालू प्रसाद यादव ने, नीतीश कुमार की सरकार ने शाबुद्दीन को खुली छूट दी है बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद करने के लिए। चंदा बाबू रो रहे हैं जिनके दो बेटों को एसिड से जलाकर मार दिया गया और एक बेटा जो गवाह था उसको भी मार दिया गया, उसको काटा गया, उसमें नमक डाला गया, वो रो रहा है आदमी, और आपको लग रहा है गुंडा राज की संज्ञा ना दी जाए, किस हिसाब से, किस हक से आप ये बात बोल रहे हैं? अनिल जी, बेल मिलना एक हाईकोर्ट के द्वारा एक कानूनी प्रक्रिया है, इस पर टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती है। आपने जहां तक आपने ट्रायल में देरी करने के लिए बेल दिलाई है, जहां तक आपने सिस्टम को लचर बना दिया, ट्रायल हुए नहीं दिया इसलिए बेल मिली है। आरोप का मैं सिरे से खंडन करता हूं और कहता हूं कि देखिए ट्रायल में बहुत सारे केसेस में देरी होती है, वो न्यायिक प्रक्रिया की देरी है, सरकार के तरफ से ये हाई कोर्ट ऑफ पटना क्या कह रहा है, सर कानून का हाई कोर्ट ऑफ पटना क्या कह रहा है, मैं आपको फैक्ट पढ़ के बता देता हूं, गुजारिश मेरी है 20 सेकंड मुझे सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपकी सरकार एक्सपोज हो रही है, मंत्री शार्प शूटर के साथ घूम रहे हैं और पुलिस को वो शार्प शूटर भी नहीं दिखाई दे रहा। आप सुनिए, इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस स्टेटेड अबव फाइंडिंग नो प्रोग्रेस इन द ट्रायल एंड फर्दर कंसीडरिंग द पीरियड ऑफ डिटेंशन द पिटिशनर अबव नेम्ड is directed to be released on the bail on execution of bail bond of rupees 10,000. अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं हिंदी अनुवाद भी कर देता हूं जवाब। ये हाई कोर्ट न्यायिक
न्याय के फैसले पर कोई टिका टिप्पणी नहीं है, मगर इस बात को कहते हैं कि ट्रायल में देरी को के लिए केवल सरकार को अगर जिम्मेवार किया जाए तो यह उचित नहीं है। अब वो जजमेंट है, वो फैसला है, क्या उस पर टिका टिप्पणी करना उचित है? जज साहब को भी सारी बातें मालूम होंगी, इसके बाद में सारा कुछ सोच के उन्हें फैसला दिया जी। वो टिका टिप्पणी से ऊपर है, वरना मान लेते हो सर, आप बेचारे हैं, आपके हाथ बने हुए हैं, आपने अपने लॉ ऑफिसर्स को बोला, उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, यही आप कहना चाह रहे हैं ना? अब मैं डिबेट को ओपन करता हूँ, अब मैं डिबेट को मैं कहना चाह रहा हूँ, अब सर अब डिबेट मैं कहना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल, कि न्याय के फैसले को हाईकोर्ट के फैसले पर टिका टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। न्याय का तो इंतजार चंदा बाबू कर रहे हैं कई सालों से, न्याय की बात ना करें, न्याय नाम की चिड़िया नहीं दिख रही, न्याय का इंतजार तो चंदा बाबू कर रहे हैं, जिनके बच्चों को जला दिया गया था, शाहबुद्दीन को गुंडा मानते नहीं मानते, कारण होते हैं आपके सहयोगी तो शाहबुद्दीन को नेता मानते हैं, अभी सुनिए उनके मुंह से। मैं सीधा सवाल पूछता हूं, मेरे साथ आरजेडी के अशोक सिन्हा साहब है, सिन्हा साहब मेरा बड़ा सवाल आपसे ये, शाहबुद्दीन गुंडे हैं या आपके नेता हैं, बदमाश हैं या आपके नेता हैं, क्या है शाहबुद्दीन? अनेश पहले तो आप अपना, अगर आप चाहते हैं कि सीरियस डिस्कशन हो तो अपना ये हिस्ट्रियोनिक्स ड्रामेबाजी बंद कीजिए और सीधे क्वेश्चन कीजिए, ये इस तरह से हिस्ट्रियोनिक आप अपना कॉम्पीट कीजिए एंकर में, यहां सीधे सीधे, ताकि देश की जनता को हकीकत पता चल सके। आपने ये आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शाहबुद्दीन गुंडे हैं, बदमाश हैं या आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, क्या है शाहबुद्दीन, जवाब दीजिए। आप सुनिए तो, आप अरे आप सुनिए तो, आपने क्वेश्चन कर दिया और हमने सुन लिया, अब आपको रिपीट करने की बात नहीं है, इंटरफेयर मत कीजिएगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जिन शाहबुद्दीन की चर्चा आप कर रहे हैं उनके बेल के बारे में आप देश दुनिया को ये बता रहे हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने देरी की, और वो जजमेंट का हिस्सा पढ़ रहे हैं जो बेल जजमेंट है जी, कि ड्यू टू नो प्रोग्रेस इन द ट्रायल, आपने ये पढ़ा। अब मैं आपको बताता हूं, आपने रीजन मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शाहबुद्दीन गुंडे हैं, बदमाश हैं, आप रुकिए, या राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी के, वो पार्टी जो इस समय सत्ता की भागीदार है, उसके बड़े नेता हैं, जवाब ये दीजिए, जो नीतीश कुमार को अपना नेता मानने को तैयार नहीं। अनीश मेरा नाम अनीश, आप टीवी से निकल के, मनीष जी आप टीवी से निकल के और रोड पे झंडा लेके आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कीजिए। अरे आप सुनिए तो जरा सा, सीरियस डिस्कशन है, आईबीएन 7 एक रेस्पेक्टेड चैनल है, आप क्यों इसका टेस्ट खराब कर रहे हैं? पहले मैं आपको ये बता दूं, आप ये जान लीजिए, चूंकि आपने कोट किया, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जंप इतनी जल्दी मत कीजिए। ये आपने लिखा है कि सरकार मस्टांसेज प्रोग्रेस नहीं किया, अब आपको मैं ये बता दूं कि 9 महीने के अंदर कंप्लीट होना था, फरवरी में ये बिल आया, हाई कोर्ट ने कहा 9 महीने के अंदर कंप्लीट करो, मई में बीजेपी बंधुओं के चिल्लाने के ऊपर उन्हें ट्रांसफर कर दिया गया। उसके पहले मैं आपको एक लीगल जरा सा बतला दूं, आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप पूरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं अशोक सिन्हा, आपके पास कोई जवाब नहीं है, भूल मूल रवैया आपने अपनाया, इसलिए शाहबुद्दीन छूटे हुए हैं, साफ झूठ। अब आप बात सुनिए सर, अमिताभ जी अगर आप बोलते रहेंगे मैं चुप कर जाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। अब आप सवाल सुनिए, मेरा सवाल दूसरा सवाल सुनिए सर, एंकर इतना नहीं बोलता है सर, डिबेट कंडक्ट कैसे करना है मुझे आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के आप बात को सुनिए सर, बात सुनिए अशोक जी, सुन लीजिए मनीष जी, अगर आप अशोक जी फैक्ट बताने के लिए हमें बुलाए हैं, फैक्ट ही बताया मैंने, तभी आप तिल मिलाए हुए हैं, फैक्ट नंबर दो थोड़ी सुनिए, ताकि देश की जनता के साथ नाइंसाफी ना हो, नहीं देश की जनता नहीं, बिहार की जनता के साथ नाइंसाफी आप कर रहे हैं, और पाठ मुझे पढ़ा रहे हैं आप, पाठ मुझे पढ़ा रहे हैं कि नाइंसाफी ना होने दीजिए, चंदा बाबू को इंसाफ दीजिए पहले आप, दिल्ली में बैठ के, अरे सर बैठ के बिहार की जनता को के मूड को नहीं जान पाइएगा,
बिहार की जवाब आपने दिया कि शाहबुद्दीन गुंडे हैं, बदमाश है आपके नेता है। जिस तरह से आप उनका बचाव कर रहे हैं, नेता लग रहे हैं आप बिहार की, जैसे आप उनका बचाव कर रहे हैं शाहबुद्दीन का नेता लग रहे हैं। इतना बचाव चंदा बाबू का अपने होते बेहतर होता का मूड नहीं। अरे सब चीज आप बोल रहे हैं, सब चीज जब आप बोल रहे हैं तो फिर क्यों बुलाए हम लोगों को? अरे जानने तो दीजिए, आपको एक्सपोज करने के लिए बुलाए हैं, आपकी आपको एक्सपोज करने के लिए बुलाए हैं। अपना टीवी नहीं आपके आपके चेहरे से मुखौटा उतारने के लिए बुलाए हैं, समझे? अब आप सुनिए सर, अब अनकंफर्टेबल आंसर से आप विचलित हो रहे हैं, अनकंफर्टेबल आंसर से आप विचलित हो रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए सर, अब आप सुनिए सवाल नंबर दो सुनिए सर। दो स्टेज होते हैं ट्रायल में, झूठ मत परोसिए, झूठ मत परोसिए, आप विचलित मत होइए, परेशान मत होइए, क्योंकि अभी आपको बड़े सारे सवाल देने हैं, सवालों के जवाब देने। सर 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 मेरी ऑडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, केवल बोलते रहेंगे तो फिर क्या फायदा? नहीं, अब ऑडियो ऑफ कर रहा हूं मैं आपका, अगर आप सवाल नहीं सुन रहे मेरा तो मैं आपको ऑडियो ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि अब आप सवाल नहीं सुन रहे मेरा। अशोक सिन्हा जी, निवेदन मेरा है, अब आप मेरा सवाल नंबर दो सुनिए। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, जो कि शार्प शूटर है, पत्रकार राजीव रंजन की हत्या के आरोपी हैं, वो आपके एक नेता के साथ, लालू प्रसाद यादव के लाल बेटे के साथ कैसे दिखाई दिए, और वही शार्प शूटर शाहबुद्दीन के साथ भी दिखाई दिए? आरजेडी और उस शार्प शूटर का क्या गठबंधन है, एक्सप्लेन करिए। 30 सेकंड आपके पास है, मैं इंटरवीन नहीं करूंगा, बताइए। पहले तो मैं ये बता दूं कि उस शार्प तथा कथित शार्प शूटर का आपने राजदेव राव के साथ फोटो नहीं दिखाया, वो भी दिखाइए, देश की जनता को जानने का हक है। दूसरी बात वो शार्प शूटर राजदेव राय का बहुत ही अत्यंत करीबी था, जिसका FIR में नाम नहीं है। और फोटो आने से अगर आप कहेंगे तो टीनू जैन, जो देश का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाता है, उसके साथ नरेंद्र मोदी का फोटो है। अरे सर, एक बात बताइए, एक सर बात बताइए, आप मुझे आप बताइए, आपके बिहार पुलिस को वो मिल नहीं रहा, IBN 7 के कैमरे पे कैद हो गया है, आपको शर्म नहीं आ रही बात करते हुए? IBN 7 के कैमरा पे कैद है मोहम्मद कैफ, और आपको मिल नहीं रहा ढूंढे से, ऐसा क्यों हो रहा है? आपके नेता को गुलदस्ता दे रहा है, शाहबुद्दीन का स्वागत कर रहा है, लेकिन बिहार पुलिस कह रही है कि हमें मिल नहीं रहा, कैसा सुशासन है आपका? आप फोटो देखिए, आपको मैं फोटो तस्वीर दिखाता हूँ, नरेंद्र मोदी के साथ टीनू जैन की तस्वीर, वो जो सेक्स रैकेट चलाने वाला है। अरे पॉलिटिशियन के साथ कोई भी रह सकता है, आप जानिए। ओके, मैं प्रेम शुक्ला को ओपन करता हूँ, प्रेम शुक्ला आसाराम के साथ तस्वीर है। अरे जनाब, अरे जनाब, अरे जनाब, अरे मर्डर का आरोपी नहीं है, मर्डर के आरोपी के साथ आपके मंत्री घूम रहे हैं, आपको बात समझ नहीं आ रही? पुलिस ढूंढ नहीं पा रही, मीडिया ढूंढ रहा है, बता दीजिए कि आप फ्री है, वो सेक्स रैकेट चलाने वाले प्रेम शुक्ला मैं आपका रुख करता हूँ। अशोक जी आप अपनी बात कहिए, अशोक जी आपने अपनी बात कह ली, मैं प्रेम शुक्ला का रुख करता हूँ। प्रेम शुक्ला के साथ है तो वो जा, प्रेम शुक्ला बिहार में क्या है, बिहार में बाहर है या जंगल राज है? मनीष कुमार कह रहे हैं, ये मनीष बिहार में, अशोक जी आप ऑडियो वो सबके सामने दिखाई दे रही है। अशोक जी कृपया अपना शोक बंद करें, बिहार की दुर्दशा की का साक्ष्य जो है वो साफ तौर पर सारा घटनाक्रम दे रहा है। जो व्यक्ति ए ग्रेड का हिस्ट्री शीटर हो, कानून की भाषा में ए ग्रेड का हिस्ट्री शीटर वो होता है जिसको रिफॉर्म की संभावना समाप्त हो जाती है कि सुधर नहीं सकता, जिसको जनता दल यूनाइटेड के 2004 में 9 कार्यकर्ताओं को जिसने चुनाव के बाद हत्या कर दी हो। आपने अभी जो है किस तरह से उन्होंने हत्याएं की हैं, राजीव रंजन का हत्यारा किस तरह से साफ पहल रहा है उस पर आपने बात ही की, और किस तरह से अभियोजन ढीला करके, क्योंकि स्टेट का कार्य है अभियोजन करना, यदि अभियोजन का पक्ष अदालत में अभियोजन के मामले को सही समय पर नहीं उठाएगा तो हाईकोर्ट जो है उसको बेल देने के लिए कानूनन जो है कई बार बाध्य हो जाता है, और हाईकोर्ट अपने दुख को आदेश में प्रकट कर रहा है। शूटर को आप दिखा रहे हैं, चैनल दिखा, लेकिन उसके बाद भी शूटर की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। SP सीधा सीधा निर्देश देता है टोल नाके पर कि 200 गाड़ियां शाहबुद्दीन की उनके स्वागत में आएंगी, उनसे टोल नहीं लेना है।
तो प्रशासन कौन चला रहा है? और जिन शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के बाद जंगल राज को मंगल राज में तब्दील करने का नीतीश कुमार जी का दावा था, वही नीतीश कुमार जी के मुंह पर थूका जा रहा है और जनता दल यूनाइटेड चाह रहा है। सुनील सिंह जवाब देना चाहते हैं, सुनील सिंह जवाब देना चाहते हैं, सुनील सिंह 20 सेकंड में जवाब, फिर मेरे साथ प्रशांत भूषण एक्सक्लूसिव जोड़ रहे हैं। सुनील सिंह 20 सेकंड में जवाब, सवाल करें। सुनील जी सवाल करें, रिपीट करें प्लीज। नहीं, आपसे मैं रिएक्शन मांग रहा था, लेकिन प्रशांत भूषण इसी बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास सीधा चलता हूं। प्रशांत भूषण जो कि वरिष्ठ वकील है, प्रशांत जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आर पार में लाइव और एक्सक्लूसिव जुड़ने के लिए। बिहार में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, आप एक सामाजिक चिंतक भी हैं और एक वरिष्ठ वकील भी हैं। बिहार सरकार के पास ऑप्शंस थी शहाबुद्दीन को दोबारा जेल में डालने की कि नहीं थी? यहां बिहार सरकार सिर्फ सुशासन की बात करती है और वहां पर असल में गुंडा राज ही है। नहीं, बिहार सरकार के पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। देखिए, बिहार सरकार के हिसाब से ही शहाबुद्दीन के खिलाफ 58 मुकदमे गंभीर अपराधों के चल रहे हैं या चले हैं, जिसमें उनका कन्विक्शन हो चुका है। इस केस में भी आरोप उनके खिलाफ ये था कि उन्होंने एक विटनेस की हत्या कर दी, उसका बयान देने से पहले विटनेस की हत्या कर दी। उससे पहले कम से कम दो केसेस में उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है। ऐसी सिचुएशन में बिहार सरकार के पास कई विकल्प थे शहाबुद्दीन को जेल में रखने के लिए। पहली बात तो वो वहाँ बहस करते कि भाई देखिए, इतना खतरनाक आरोपी है ये, जिसके खिलाफ दो दो केस में आजीवन कारावास की सज़ा हो चुकी है, उसने इतने सारे विटनेसेस को मार दिया जी, उसने उसके खिलाफ इतने सारे और गंभीर अपराधों के केसेस चल रहे हैं, ऐसे आदमी को सिर्फ इस आधार पर आप नहीं छोड़ सकते कि किसी वजह से उसका ये वाला मुकदमा, उसकी ट्रायल नहीं शुरू हो पाई। अरे, उसको भागलपुर जेल में शिफ्ट करने का कारण ये था कि भाई वहाँ आपको लग रहा है ये बेल मैन्युफैक्चर्ड की गई है। हाँ। बिल्कुल 20 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरे साथ जेडीयू के सीनियर लीडर भी बने हुए हैं सुनील सिंह, आपको हाँ, लगता है ये बेल मैन्युफैक्चर्ड की गई? बेल में ढील, मतलब कि सरकार की तरफ से ढील दी गई और उनको बेल मिलने दी गई, इसमें कोई यही पॉइंट को मेरे प्रूफ करता है। प्रशांत जी, मैं रिएक्शन चाहूंगा सुनील सिंह जी। प्रशांत भूषण ना बीजेपी के हैं ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी के, प्रशांत भूषण एक वरिष्ठ वकील है, उनकी राय आपने सुनी, रिएक्शन आपका 30 सेकंड में रिएक्शन और फिर प्रशांत भूषण। प्रशांत जी का मैं सम्मान करता हूं, मगर मैं ये बता दूं कि ये सुओ मोटो आधी जानकारी लेके राज्य सरकार को ब्लेम करना उचित नहीं है। ट्रायल में देरी के कारण होना केवल राज्य सरकार दोषी नहीं है, और इसके साथ में अगर आप ऐसे करेंगे तो आप कानूनी प्रक्रिया और कोर्ट के अवमानना करते हैं, ये कहके कि चुके सरकार ने ढील दी इसलिए कोर्ट ने बेल दी। आप ये सब कहके एक न्यायिक प्रक्रिया का, प्रशांत भूषण जी, आप हमें लगता है कि उस पर आप न्यायिक प्रक्रिया पर आप सवाल उठा रहे हैं। जवाब प्रशांत भूषण जी, जवाब। देखिए, पहली बात तो जो अगर आप वो जजमेंट पढ़ें जिससे इनको बेल मिली है, उससे साफ जाहिर है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये नहीं बहस करी कि इनके खिलाफ दो केस में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जा चुकी है, इनके खिलाफ इतने सारे और आपराधिक मामले चल रहे हैं, ये केस भी विटनेस को मारने का है, ऐसे केस में आप ऐसे आरोपी को जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के मापदंड हैं बेल देने के बारे में, उसके हिसाब से बेल नहीं दे सकते। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के वकील की तरफ से ये सब बहस नहीं करी गई, लेकिन फिर भी मैं हाई कोर्ट को भी ब्लेम करता हूं, क्योंकि हाई कोर्ट का, देखिए, इस देश में सबको पता है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन है,
उस जज को भी जिसने बेल दी उसको अच्छी तरह से पता था कि इसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे चल रहे हैं, दो केस में आजीवन कारावास वगैरह हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर सरकार का वकील वो बहस नहीं करता तो जज की ड्यूटी है कि जज पूछे कि भाई ये बताइए कि इनके खिलाफ कितने सेंटेंस हो चुके हैं, कितने और मुकदमे इनके खिलाफ लंबित हैं, इसी केस में ये विटनेस को मारने की बात है तो इसमें कैसे बेल दी जा सकती है। मैं हाईकोर्ट को बिल्कुल स्क्वायरली ब्लेम करता हूं। जी सुनील सिंह जी, जो प्रशांत भूषण ने बात कही वो तो बात है ही, उसके अलावा आपके तमाम आपके आपके मंत्री एक शार्प शूटर के साथ दिखाई दे रहे हैं, शाबुद्दीन के साथ वो शार्प शूटर दिखाई दे रहे हैं, ओवरऑल गवर्नेंस का इशू है, तकनीकी मामला भी आपको दिख गया कि किस तरह से ढील दी गई है पूरे मामले की। अगर आपको अंदर करना होता तो अनंत सिंह को आपने सीसीए में यानी क्राइम कंट्रोल एक्ट के अंदर अंदर कर दिया था जब बीजेपी और आपकी सरकार थी, अब क्यों नहीं करा? अब आपकी मजबूरी लालू प्रसाद यादव है और लालू प्रसाद यादव के चलते आपने ये ढील दी है और शाबुद्दीन जैसे गुंडों को बाहर खुला छोड़ा है, और उसके साथ साथ जो शार्प शूटर है जिसका नाम मोहम्मद कैफ है उसको भी आपने खुला छोड़ा है। आप मजबूरी की सरकार है और आप गुंडा राज को बढ़ावा दे रहे हैं। जवाब सुनील सिंह जी। पहले तो अमीश जी इस बात से संतुष्ट हो जाइए जैसे प्रशांत भूषण सर ने बहुत सारी बातें कह दी जो मैं नहीं बोल पा रहा था, और आप संतुष्ट हो जाइए कि राज्य सरकार को एक तरफा बदनाम करना बेल के लिए आपकी वो आप उसमें हमें लगता है कि आप उसके लिए आप टैलेंटेड हो गए हैं। प्रशांत भूषण सर ने बहुत सारी बातें कह दी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई आप सरकारी वकील अगर कोई पक्ष न रखे और उसके लिए ऐसे लोगों का सीसीए लगाइए अंदर करिए, देखिए मैं तारीफ करूंगा आपकी। अमीर जी आप लगा नहीं रहे सीसीए, आप लगा नहीं रहे, मंत्री आपके शार्प शूटर के साथ घूम रहे हैं और आपको लग रहा है एक तरफा सरकार का आरोप लगाइए। आप लालू प्रसाद यादव के आगे दब रहे हैं इसलिए शाबुद्दीन को छोड़ा गया है और अमीर जी आपको नुकसान होगा। आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं। जी अमीर जी आपने पूछा कि मंत्री जी के साथ फोटोग्राफ की, तो मैं बता दूं मंत्री जी का सफाई आ चुका है। एक राजनीतिक जीवन में एक सेलिब्रिटी के जीवन में सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। एग्रीड सर, आपकी बात को माना। प्रशांत भूषण जी भी मेरे साथ बने हुए हैं, जवाब आप तैयार रखिएगा। चलिए मंत्री जी तो सेलिब्रिटी हैं, बड़े आदमी हैं, उनके साथ कोई भी फोटो खिंचवा लेता उनको पता नहीं लगता, लेकिन बिहार पुलिस को भी पता नहीं लगता कि कहां घूम रहे हैं बंटी, उनको भी नहीं पता लगता लेकिन आईबीएन 7 के कैमरे में दिख जाते हैं। इसका जवाब भी आपको देना होगा। आज आर पार में बिहार में गुंडा राज, बिहार में बाहर रही बिहार में गुंडा राज। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, मेरे साथ इस डिबेट में अशोक सिन्हा है, आरजेडी के निखिल मंडल है जो कि अब जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी की जो सरकार है उसके नुमाइंदे हैं। मेरे साथ प्रशांत भूषण साहब है जो कि वरिष्ठ वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मैं सीधा इस दौर में रुक करना चाहता हूं निखिल मंडल का। निखिल मंडल, ब्रेक से पहले आपके एक और सहयोगी थे सुनील सिंह जो अब चले गए हैं, अब आप हैं उनकी जगह पे, और मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछना चाहता हूं। आपके पास कई सारे ऑप्शन थे, मैं मान लेता हूं कि कोर्ट को आप कुछ नहीं कह सकते, चलिए आपकी बात को मान लेता हूं, हालांकि आपने पूरी ढील दी कि बेल मिल जाए शाबुद्दीन को, लेकिन शार्प शूटर के मामले में बिहार पुलिस को क्यों नहीं मिल रहे मोहम्मद कैफ, जब टेलीविजन कैमरों पर आ रहे हैं, आईबीएन 7 के कैमरा पे आ रहे हैं, शाबुद्दीन के साथ घूम रहे हैं, आपकी सरकार को क्यों नहीं मिल रहे? ये मंशा बताती है कि आपकी सरकार का हाथ खुले तौर पर गुंडे और बदमाशों के साथ है, इसलिए आज हम कह रहे हैं कि बिहार में बाहर नहीं गुंडा राज है। नहीं बिल्कुल, मैं इस बात को खारिज करूंगा। जिस केस की आप बात कर रहे हैं वो केस में बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें एफआईआर में कोई नाम नहीं था, फिर भी पुलिस ने अपने दम पे 6 लोगों को पकड़ा और चार्जशीट की, उन लोगों के बयान के हिसाब से कैफ बंटी जो है वो भी उसमें सहयोगी था। उसके बाद उसको लेकर के लगातार छापेमारी हो रही है, वो अब्सकॉन्डिंग चल रहा है। अब अच्छा, अभी जहां अभी ताजा जानकारी अभी मिली है, अब्सकॉन्डिंग चल रहा है, जरा जरा जहां मैं और आप बैठे उसके बीच में विजुअल चल रहे हैं, उस विजुअल में दिख रहा है वो,
वो एक्सपॉन्डिंग आदमी जो है, जो गुमशुदा आदमी है, वो आपके मंत्री बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और पकड़िए उसको, पकड़वाते क्यों नहीं है? इसीलिए तो कह रहे हैं आपका हाथ फूलों, आपका हाथ बंटी के साथ, बिल्कुल पकड़वाते हैं और जल्दी आपको दिखेगा। अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से वो कहीं ना कहीं सिवान में ही है और 200 मीटर के दायरे में है। मेरी बात घर पे बैठा जनाब, जल्द आपके सामने होगा। हमने शॉट दिखाए, आपने घर पे बैठा है। कहीं ना कहीं कुर्की जब्ती के भी आदेश हो चुकी है। आप सर, ये आप स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप से पूछ लीजिए ना कहां पर है। मैं कह रहा हूँ कि कुछ ही घंटे में आपके वो सामने होगा। अरे आप तेज प्रताप से पूछ लीजिए ना कहां पर है, जिनको गुलदस्ता देखे गया था वो बता देंगे। पूछ लूं मोहम्मद कैफ शार्प शूटर कहां है बता दीजिए। लालू के हाथ से मजबूर हो गए आप, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे। किसी कोई जो फोटो की बात होती है, जो व्यक्ति सार्वजनिक तौर से पॉलिटिशियन होता है उससे हजारों लोग मिलते हैं। प्रेम शुक्ला रिएक्ट करना चाहते हैं, फिर मैं प्रशांत जी के पास आऊंगा। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, हां तीनू जैन जो सेक्स स्कैंडल में फंसा हुआ था उसके साथ भी फोटोग्राफ है। ओके प्रेम शुक्ला जवाब, निराधार बात है। प्रेम शुक्ला इस तरह से कह सकते हैं कोई भी सार्वजनिक? प्रेम शुक्ला ये इनका इनका मंडल जी का कहना है, मंडल जी का कहना है कि चूंकि उनके पास एक ऐसा कमजोर केस था जिसके कारण जो है शहाबुद्दीन की रिहाई हो गई। सारे लोग देख रहे हैं चंदा बाबू का दर्द, जनता दल यूनाइटेड के 9 लोगों को मार दिया गया उनका दर्द, आपकी पार्टी के थे, पार्टी के कैडर को उसने हत्या कर दी और उसके बाद उसको आप रियायत देते हैं, आप उसके शूटर को गिरफ्तार नहीं करते हैं, उसके बाद आप चाहते हैं कोई इस पर चर्चा भी नहीं करे, तो ये तो बड़ा भयंकर मामला हुआ ना। मैं तो उल्टा अमीश जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने जो है कैमरामैन आप भेजते हैं सावधानी से भेजिए, वो पता लगा कि उनकी हत्या हो जाएगी, उनकी हत्या हो जाएगी और उसमें कह देंगे अज्ञात लोगों ने कर दी, FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ है और इसलिए पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही है। शूटर जब कैमरे के सामने आने के बाद भी पुलिस को नहीं मिलता है, इस हद तक की स्थिति है। एक तरफ तो अभी भी यही बोल रहे निखिल मंडल कि सिवान में उनको ढूंढने की प्रक्रिया जारी है लेकिन वो मिल नहीं रहे। क्राइम मिलता है, आप कैसे कह सकते हैं? कार्रवाई हुई, 6-6 लोग उसमें पकड़े गए। अनंत सिंह पर जो मुकदमा दायर होता है वही शाहबुद्दीन पर लगातार छापेमारी हो रही है और नहीं पकड़ा जाएगा तो आप कहेंगे। हमें जानकारी मिला कि वो सिवान में है और लगातार छापेमारी हो रही है, यहाँ तक कि कुर्की जब्ती के भी आदेश है। कौन सी कार्रवाई भी आप सब कर रहे हैं और जिस तरह से सबके दायरे में आप सामने खड़े कर रहे हैं, आपको बता दूं कि पिछले 11 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक रहे हैं। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। एक एक करके बोलेंगे। सर्वेलेंस में रखा गया क्या? मैं प्रशांत जी को लेना चाहूंगा। फोन को सर्वेलेंस में रखा गया क्या? नहीं, पकड़ना नहीं चाहते, ये इनकी मंशा साफ दिखाई दे रही है। मैं प्रशांत जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं बिहार से हमारे सामने है, क्या आपको लगता है कि सरकार के पास एक बड़ी ऑप्शन थी CCA लगाकर, अनंत सिंह को भी गिरफ्तार किया था दोबारा, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाकर गिरफ्तार शहाबुद्दीन को किया जा सकता था, लेकिन लालू यादव की पॉलिटिकल कंपल्शन है इसलिए नीतीश कुमार मजबूर है, इसीलिए गुंडा राज है। प्रशांत जी, क्राइम कंट्रोल एक्ट लगाते ना लगाते, देखिए ये तो हाईकोर्ट ने ही तो बेल दी थी ना। चलिए ये भी अगर हम मान लें कि उसमें सरकार की तरफ से, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से कोई ढील नहीं दी गई थी, जो कि साफ दिख रहा है कि ढील दी गई थी, लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि ढील नहीं दी गई थी तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अपील करनी चाहिए थी। अपील तो अगले ही दिन हो जाती, लेकिन सरकार ने वो अपील भी नहीं करी। जब चंदा बाबू ने मुझे अप्रोच किया कि भाई उनकी तरफ से, क्योंकि उसके निकलने से बहुत दहशत वहाँ फैल गई है, रो रहे तो जब मैंने बोला कि अच्छा मैं अपील करूँगा, तो अब शायद JDU की सरकार कह रही है कि भाई हम भी उस अपील को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको खुद ही करना अपील करनी चाहिए थी। और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट से तुरंत उसकी बेल कैंसिल हो जाती, उसके बाहर निकलने के पहले ही हो जाती। जी निखिल मंडल, निखिल मंडल, ये जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं, प्रशांत भूषण बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं आपकी सरकार ने ढिलाई बरती इसीलिए बेल मिली है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आप नहीं गए, क्यों नहीं गए आप, जवाब दीजिए, ऐसी मजबूरी क्या थी? प्रशांत भूषण जी काफी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत भूषण जी काफी सीनियर हैं, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं क्योंकि मैं पटना हाईकोर्ट में खुद एक अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हूं।
तो मैं उनके बहुत से चीजों को ना काटते हुए मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। यहाँ तक सीसीए की बात हो रही है, तो सीसीए एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार 11 साल तक जेल के अंदर रहा हो, उस पर कोई भी नियम नहीं कहता, कोई भी कानून नहीं कहता है कि वो सीसीए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लगाया जा सकता है। प्रशांत भूषण जी ने जो बात बोली, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गया, आप इसका जवाब दीजिए। दूसरी आप लालू यादव के हाथों से मजबूर हैं, इसलिए नहीं गए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात जो नहीं, अगर आप सवाल के बीच में सवाल पूछेंगे तो शायद जवाब देने में मुझे दिक्कत होगी, मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल, जो शहाबुद्दीन जो बाहर निकले हैं, वो कहीं भी उनका केस खत्म नहीं हुआ है, वो बेल पे हैं, ठीक है। और जब बेल दिया जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन होती है, और अगर उस कंडीशन को तोड़ते हुए वो पाए जाएंगे, जैसा कि रिपोर्ट आ रहा है कि कुछ गाड़ी से लेकर के जिस तरह के भी वो बेल कंडीशन तोड़ेंगे, फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके तहत। मैं आश्चर्यचकित हूं इन तमाम नेताओं की बातों को सुनकर। चंदा बाबू का रोना इनको नहीं दिखाई देता। मैं बता दूं जन दर्शकों की जानकारी के लिए, चंदा बाबू वो है जिनके तीनों बेटों को इस खूंखार गुंडे ने, बदमाश ने मार दिया। वेलकम बैक। और इस देर दौर में मैं आरजेडी को मौका दूंगा। मेरे साथ आरजेडी के अशोक सिन्हा है। अशोक सिन्हा जी, बिहार की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? मौका है, आप माफी मांग लीजिए। पहले मैं प्रशांत जी को धन्यवाद दूं जो कम से कम कानूनी बारीकी को समझ पाए, और आप होमवर्क करके कम आ जाए हैं अमीश जी। जी, ये आपको पता होना चाहिए कि सीसीए एक्ट उन्हीं पे लागू होता है जिन पे केस 9 महीने से पुराना हो। ये हाई कोर्ट का रूलिंग है। हो सकता है मेरी जानकारी कम हो, लेकिन अब आप बताइए क्या करेंगे। नहीं, होमवर्क नहीं करिए हैं आज, आप ज्यादा बायस हैं। आप सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। तीसरी बात, ट्रायल में पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ कमिट किया जाता है। शहाबुद्दीन की तारीफ करूं तो मैं अनबायस हो जाऊंगा। मैं शहाबुद्दीन की तारीफ करूं, आप सुन लीजिए, शार्प शूटर बंटी की तारीफ करूं तो मैं अनबायस हो जाऊंगा। सर, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बायस बोल दिया, मेरे लिए बड़ा सर्टिफिकेट है। कंक्लूजन यही है, शहाबुद्दीन को दोबारा जेल में डालो, और शार्प शूटर को जो मिला हुआ है उसको ढूंढने का नाटक मत करे बिहार सरकार, और उसे पकड़े और अंदर करे। यही कंक्लूजन है। फिलहाल इतना ही।